नमस्कार, मैं सुरेश स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि की रीडिंग करेंगे जो 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के लिए एक वीकली रीडिंग है और ये एक लव रीडिंग है। तो इसमें हम बताएंगे कि आपके पर्सन सैजिटेरियस आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, वो आपसे और आपसे क्या चाहते हैं। फिर हम बताएंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इन दोनों का आउटकम क्या रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, जान लेते हैं कि और ये इसका आउटकम क्या रहने वाला है और इसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आप एक दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, ये किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्स की गाइड में। प्लीज 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सैजिटेरियस यानी धनु राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं यूनिवर्स की गाइड में। प्लीज 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सैजिटेरियस यानी धनु राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। सॉरी गाइस, एक तो कार्ड नीचे गिर गया था। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइड में प्लीज। तब तक के दशहरे के लिए, विजयदशमी के लिए आप सबको बहुत 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 मुबारक। भगवान करे कि आप श्री राम की तरह खूब नाम कमाएं, यश कमाएं, आपकी हार पर जीत हो, लेकिन जो अच्छे काम करे हैं उसी पर जीत हो, बुरे कर्मों पर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपके लिए क्या कहते हैं। तो ये पहला कार्ड है कि सैजिटेरियस आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम, रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं। एस ऑफ कप्स, तो जो पहला कार्ड आपका आया है ये एस ऑफ कप्स का आया है। सैजिटेरियस आपके पर्सन आपके साथ जो दुख परेशानी जो कष्ट हुए थे वो सब भूलना चाहते हैं और एक जो नई अपॉर्चुनिटी, नया रिश्ता, नया लव आपको मिल रहा है वो उसको शुरू उसको जीना चाहते हैं, उसकी नई बिगनिंग नई शुरुआत आपसे चाह रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो आपके लिए सोच रहे हैं कि आप उनको उनके रिश्ते में, उनके प्यार में एक नई बिगनिंग करें, नई शुरुआत करें और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो उसको एक्सेप्ट करें, ऐसा आपके लिए वो फील करते हैं, ऐसा वो आपसे चाह रहे हैं। तो आपकी जो परेशानियां, जो कष्ट, कोई जो दुख आपको पास्ट में हो रहे थे, तो शायद वो कष्ट, वो परेशानी, वो दुख, तकलीफें जो लव में आप परेशान हो रहे थे, शुरुआत होने में हो सकता है दिक्कत हो रही थी, जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपको अब काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी बिगनिंग आपके रिश्ते में हो सकती है अगर आप चाहें तो वो इसको इसके लिए फील कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत की जाए, इसकी बिगनिंग की जाए। तो वो आपसे, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपके लिए चाह रहे हैं कि जो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको पछतावा हो रहा है, कोई किसी चीज़ को लेकर आप गिल्ट हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी तंग हैं। तो वो चाह, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि जो जो समय चला गया, जो बीत गया, जो दुख तकलीफें हुई प्यार प्रीत में, जो आपने उनसे कहा या उन्होंने आपसे कहा, जो रिश्ता बन नहीं पा रहा था, जो परेशानियां आ रही थी, उनको भूलकर एक नई बिगनिंग करें, एक नई शुरुआत करें। आप पिछले समय को भूल जाएं, पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किससे गलतियां हुई, किससे नहीं हुई, वो तो ऐसा आपका सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं कि पीछे जो कि जो दुख हुए हैं, जो कष्ट परेशानियां हुई हैं, प्यार में जो
नोक झोंक हुई है, जो तनाव हुआ है, जो खिंचा हुआ है उसको भूलें, और जो आप पछता रहे हैं उसको भूलकर एक नए रिश्ते की, नए बिगनिंग की शुरुआत की जाए। जो नई अपॉर्चुनिटी, जो रिश्ता अब हमें मिल रहा है, जो खुशियाँ मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपसे पीछे का सब कुछ भूलकर एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो आपके आपके पर्सन ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और ये कप्स, और हाँ ये कप्स के हैं दोनों ही कार्ड। तो ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं? आप सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि जैसा मैंने उनके साथ किया या उन्होंने मेरे साथ किया, उसका न्याय मिले, जिसने गलत किया है उसके साथ वैसा ही हो, न्याय हो। अगर मेरे पर्सन ने मेरे साथ अच्छा किया है तो उनके साथ अच्छा हो। या हो सकता है कि आप ये भी फील कर रहे हैं कि जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, अब इस रिश्ते के साथ एक न्याय हो, एक इस रिश्ते को एक नया नाम दिया जाए, इसकी शुरुआत की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि मैंने किया हो या मेरे पर्सन ने किया हो, तो जिसने जैसा भी किया है उसमें न्याय मिले। और अगर उन्होंने गलत किया है तो उसका रिजल्ट उनको गलत मिले, अगर मैंने गलत किया तो मुझे इसका रिजल्ट गलत मिले। तो आप हर जगह से न्याय के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप सोच रहे हैं कि उनके पर्सन भी इसके बारे में सोचें, और फिर इस रिश्ते के बारे में सोचें। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं सेजिटेरियस के वो इस न्याय के बारे में सोचें कि जो हमारे रिश्ते को न्याय मिले। अगर ऐसा होता है तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। शादी के बंधन में भी आप बंधने के बारे में सोच रहे हैं कि उनका जो प्यार है, उनका लव है, उनको मिले, और उनका इसके बारे में उनका जो पार्टनर है, उनका जो प्यार है, वो उनसे बातें करें। तो आप उनसे खुलकर बातें करना चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में एक नई कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक आप उनसे मिलना चाहते हैं, जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। आगे जाकर आप चाह रहे हैं कि इसको शादी में तब्दील किया जाए, एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, एक नई खुशखबरी मिले, इसको हम हैप्पी हैप्पी जिए, आप उनके साथ एक नया रिश्ता, नया प्यार, नया लव बनाना चाह रहे हैं। ऐसा एक्सपेक्ट आप अपने प्यार से कर रहे हैं कि वो इसके बारे में सोचें और एक्सपेक्ट करें और इस रिश्ते को फिर एक्सेप्ट भी करें कि इस रिश्ते को आगे नया नाम दिया जाए, नई बिगनिंग दी जाए, नई शुरुआत दी जाए, और ये रिश्ता काफ़ी खुशियों से भरा हो, इसमें विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले। ऐसा आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में चाहते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम क्या रहने वाला है? यूनिवर्स जी बता रहे हैं कि इसका आउटकम प्यार से भरा, मोहब्बत से भरा रहने वाला है। अगर आप सोच समझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, जो दूरियां थी, जो परेशानियां थी, जो दुख तकलीफ थे, या आप पछता रहे थे, या आपका प्यार उसको लेकर परेशान था, पछता रहे थे, जो गिल्ट मान रहे थे, उन सब से बाहर निकलकर एक नया रिश्ता अगर आप बनाते हैं तो आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। इस रिश्ते में आप स्टेबल होने वाले हैं, काफ़ी हर चीज़ से आपको, आपके लिए रिश्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा आपके लिए रिश्ता रहने वाला है, ऐसी एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और आइकन को दबाना भी ना भूलिए।
घंटी यानी कि घंटी को दबाना मत भूलिए, एक घंटी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सारी वीडियो देखिए, आनंद लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।